रामनगरी अयोध्या में पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने शहर के सिविल लाइन स्थित होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए खूब चुटकी ली। कहा कि प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल झूठे और छलावे से भरे रहे। इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ अखिलेश यादव द्वारा किए हुए कार्यों का उद्घाटन एवं उनकी योजनाओं का शिलान्यास किया। पवन पांडे ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर रामनगरी अयोध्या और यहां की जनता को अपना समझते हैं तो उन्हें चाहिए कि अयोध्या नगर निगम को कर मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में इन 4 साल में लूट, हत्या, डकैती, फर्जी एनकाउंटर और बलात्कार जैसे अपराध बढ़े हैं। यही योगी सरकार की उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ सरकार की नाकामियों के, असफलता के, अराजकता के, उत्तर प्रदेश में लूट के, सरकारी लूट के, सरकारी अधिकारियों द्वारा लूट के, हत्या डकैती के, बहन बेटियों को सुरक्षा ना दे पाने के, नौजवानों को लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी ना दे पाना, किसानों को मौत उनके मुंह में ढकेलने वाली सरकार के 4 साल आज पूरे हुए हैं और हम इसी तरह इस सरकार को देखते हैं कि नाकाम और अक्षम मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने आज 4 वर्ष पूरे किए हैं। पूरा उत्तर प्रदेश सहित यह अयोध्या इन 4 वर्षों में केवल ठगी और छली गई है। पत्रकार वार्ता के मौके पर पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे, पवन और सपा के पदाधिकारी हाथों में कई तरह के स्लोगन लिखी तख्तियां लिए नजर आए, जिसमें योगी सरकार के 4 सालों में किए गए कार्यों का विरोध साफ झलक रहा था।